हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यारे फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे बायो सॉर्ट्स लॉ। ये बायो सॉर्ट्स लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा पूछता है, तो इस बायो सॉर्ट्स लॉ को जरूर आप पूरा वीडियो देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। बायो सॉर्ट्स लॉ है क्या? बायो सॉर्ट्स ये दो साइंटिस्ट हैं। इसके पहले जो है कुछ साइंटिस्ट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता चुके थे, मींस इन 1820 ओरेस्टेड साइंटिस्ट हैज सेड टू मींस करेंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मींस सबसे पहले जो है वो ओरेस्टेड इन 1820 मींस 1820 ईस्वी में बता दिया था कि करेंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसी को लेकर के बायो सॉर्ट्स ने भी, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट है, इन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट करके इसके बारे में बताया। मींस ही डिटरमाइन दैट इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मींस बायो सॉर्ट्स दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर के अपना एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बताया कि कोई भी करेंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इसलिए व्हाट इज बायो सॉर्ट्स लॉ, तो हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट कैरिंग कंडक्टर। मीन्स करेंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करके बायो सॉर्ट्स लॉ ने बताया था। इसके पहले भी ओरेस्टेड इन 1820 में उन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट करके बताया कि किसी भी करेंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। बट मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड के बारे में, मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ही गेव्स, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल बायो सॉर्ट्स ने ही ये फॉर्मूला दिए, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बायो सॉर्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बायो सॉर्ट्स लॉ वी कैन से दैट बायो सॉर्ट्स लॉ इट इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग कंडक्टर। मीन्स किसी भी करेंट कैरिंग कंडक्टर में जब करेंट फ्लो करता है तो उसके थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर आप ध्यान से फिगर को देखिएगा, ये कोई एलिमेंट है ए और बी, और इस ए बी एलिमेंट का जो लेंथ है वो डीएल है। तो इस तरह से इसको हम कर लेते हैं और ए बी एलिमेंट की जो लेंथ है डीएल, सपोज दैट यहां से ये सी पॉइंट है और सी से पी पॉइंट पर कोई हमारा मैग्नेटिक फील्ड डी बी हम कर सकते हैं। ये डी बी, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि इस लेंथ की लेंथ और इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, और ये जो है सी से पी की दूरी वो आर वेक्टर है, मींस आर है। और सपोज दैट इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट आई है। तो बायो सॉर्ट्स ने देखा कि इफ करंट कैरिंग कंडक्टर हैज स्मॉल लेंथ देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस आल्सो स्मॉल। मींस अगर हम ए बी कोई स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ की बात करते हैं तो इसके थ्रू जो करेंट फ्लो हो रहा है इससे मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर डी बी प्रोड्यूस होता है। लेंथ अधिक होता है, करेंट अधिक होता है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी अधिक होता है। तो इसी को एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया कि इसका हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं। सपोज दैट कंसिडर एलिमेंट ऑफ ए बी विच हैज लेंथ डीएल एंड स्मॉल डिस्टेंस आर हैज पी पॉइंट एंड पी पॉइंट हैज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डी बी एंड द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड पी पॉइंट इज थीटा। देन अकॉर्डिंग टू बायो सॉर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड अपॉन, हम इसी को लिख दिए यहाँ पर, कंसीडर अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ए बी। ये ए बी जो है वेरी स्मॉल एलिमेंट है ऑफ लेंथ डीएल, ये डीएल लेंथ का ये स्मॉल एलिमेंट है,
एंड कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर आई, जिसमें करेंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो आई फ्लो कर रहा है. द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डीबी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट एट अ पॉइंट पी डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द एलिमेंट इज फाउंड टू डिपेंड अपॉन क्वांटिटीज एज अंडर. मीन्स पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है एज अ समथिंग पॉइंट, मीन्स फर्स्ट पॉइंट पर वो डिपेंड करता है. मीन्स मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. मीन्स स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूस स्मॉल. सो वी कैन राइट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मीन्स डीएल. सेकेंड पॉइंट वी कैन राइट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट कैरिंग कंडक्टर आई, करेंट कैरिंग कंडक्टर आई कैपिटल आई. सो इक्वेशन सेकेंड. थर्ड इक्वेशन डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन पी एंड द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर. तो इस दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा साइन थीटा के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. एंड फोर्थ डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी. मींस जितना डिस्टेंस अधिक होता है किसी भी करेंट कैरिंग कंडक्टर का उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होगा. जैसे सपोज दैट अगर कोई कंडक्टर करेंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके नजदीक जितना ही हम जाते हैं वो हमको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मींस वो अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा. लेकिन हम उस करेंट कैरिंग कंडक्टर से अगर हम दूर रहते हैं तो उसका मैग्नेटिक पावर जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा वो बहुत कम होगा. सो अकॉर्डिंग टू बायोसॉर्ट्स लॉ ही गेव दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड पी पॉइंट वेयर वी टेकिंग पी. सो अबव ऑल इक्वेशन आर कंबाइंड. सो अबव All equation combined, then dB is directly proportional to I dl sin theta by small r square. dB is directly proportional to I dl sin theta by small r square, or we can write that dB is equal to k idl sin theta by small r square, where k is the constant of proportionality. लिख सकते हैं where k is a constant of proportionality. Where k is the constant of proportionality and in SI system k is equal to mu naught by 4 pi. K is equal to mu naught by 4 pi and where mu naught is a absolute permeability in free space or vacuum. And the value of mu naught is equal to 4 pi into 10 to power minus 7 ये न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और हम कर सकते हैं टेस्ला पर मीटर पर एम्पियर कर सकते हैं. टेस्ला पर मीटर पर एम्पियर कर सकते हैं.
या फिर हम लिख सकते हैं वेवर वेवर पर मीटर पर एम्पियर। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे इसको कंबाइन किए हैं तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, या फिर अगर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमारा आता है डीबी इज इक्वल टू के आई डीएल साइन थीटा बाई स्मॉल आर स्क्वायर, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड द वैल्यू ऑफ इन एसआई सिस्टम के इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई। ये म्यू नॉट बाई फोर पाई कर लेते हैं, और वेयर म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमियबिलिटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम एंड द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10^-7 न्यूटन पर एम्पियर और टेस्ला मीटर पर एम्पियर और वेव पर मीटर पर एम्पियर। तो हम इसको इक्वेशन वन कर लेते हैं और करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, के का वैल्यू पुट करते हैं, के का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन और मैग्नेटिक फील्ड का आ जाएगा। के का वैल्यू पुट करेंगे और यह हम लिख सकते हैं डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ। बायोट सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हम कर सकते हैं। इसी को अगर हमें लिखना हो अगर वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म तो हम करते क्या है, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू आई डी एल वेक्टर क्रॉस हम लिख सकते हैं आर कैप बाई आर स्क्वायर। ये आर वेक्टर जो है इसके लिए आर कैप यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ये जैसे ही हम ये वेक्टर का साइन हटाते हैं तो साइन थीटा आ जाता है, और आप जानते हैं सिंस आर वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ आर इंटू आर यूनिट वेक्टर कर सकते हैं, या फिर हमें आर यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना हो तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर बाई मोड ऑफ आर कर लेते हैं, मोड ऑफ आर। तो ये आर यूनिट वेक्टर का वैल्यू पुट करते हैं तो डीबी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और बाई हम करते क्या है, इसको अगर पुट करते हैं तो ये हमारा आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू। तो इस तरह से हमारा ये डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू आई ये डीएल वेक्टर, और आप ध्यान से समझिए आर यूनिट वेक्टर के जगह पर हम आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर लिखे हैं। तो मॉड ऑफ आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यू हो जाएगा और यहां पर आर वेक्टर हो जाएगा। तो ये फाइनल आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ। यदि हम ये स्मॉल लेंथ की बात कर रहे थे, सपोज दैट अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोटल लेंथ की बात कर रहे हैं करेंगे तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रीगेशन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। इंट्रीगेशन अगर हम यूज करते हैं तो टोटल लेंथ पर हो जाएगा, टोटल लेंथ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो टोटल लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड बात करते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन डीबी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू ये वेक्टर कर लेते हैं, और ये हम कर लेते हैं आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर,
और by आर क्यू कर लेते हैं, और यहां पर जो कॉमन होगा वो बाहर निकाल लेते हैं। ये तो इंडिकेशन डीबी का करते हैं, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू इंटीग्रेशन आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और बाय आर क्यू। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया अकॉर्डिंग टू बायोट सॉर्ट्स लॉ। ये लास्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एक एब्सोल्यूट परमियबिलिटी की। व्हाट इज रिलेटिव एब्सोल्यूट परमियबिलिटी, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिलेटिव एब्सोल्यूट परमियबिलिटी, उसकी बात करेंगे। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, इसको आप लोग अपने से लिखिएगा कॉपी पे। रिलेटिव परमियबिलिटी, म्यू आर, सिंस म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव परमियबिलिटी। जिस तरह से यूनिट फर्स्ट में आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हुए थे रिलेटिव परमियबिलिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी रिलेटिव परमियबिलिटी है बट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है। ये हम लोग रिलेटिव परमियबिलिटी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग रिलेटिव परमियबिलिटी पढ़े हैं बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में थोड़ा सा डिफरेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट पढ़े हुए थे, और यहां पर जो है वो है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट। दोनों का डिफिनेशन सेम है, आप वहां से लिख सकते हैं, कुछ करना नहीं है। दोनों का डिफिनेशन सेम है, डिफिनेशन सेम लिखिएगा। वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे थे बट हियर वी कैन टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मीन्स हम कह सकते हैं the ratio of the permeability in a medium to the permeability of the vacuum or air, to the permeability in vacuum or in air, means mu जो है वो absolute permeability है। एब्सोल्यूट परमियबिलिटी इन वैक्यूम मींस इन एनी मीडियम है, और म्यू नॉट जो है वो एब्सोल्यूट परमियबिलिटी है इन एयर और एनी अदर मीडियम, इन एयर और वैक्यूम कह सकते हैं। तो टू मीडियम में जब कोई एब्सोल्यूट परमियबिलिटी का रेशियो होता है तो उस रेशियो को ही हम रिलेटिव परमियबिलिटी बोल देते हैं। रिलेटिव परमियबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होता है, जैसे हम लोग जानते हैं म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इनटू 10^-7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। तो ये म्यू नॉट का ये यूनिट है बट इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेम रेशियो, सेम यूनिट का रेशियो है, इसलिए रिलेटिव परमियबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। अब बात करते हैं व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट परमियबिलिटी। ये एब्सोल्यूट परमियबिलिटी का अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूटन का जो होता है MLT^-2 और एम्पियर का A^-2 कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं MLT^-2 A^-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट परमियबिलिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल। एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल विदाउट न्यूमेरिकल
यदि आप कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो वो थ्योरी आपके लिए सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके वो दिमाग में बैठेगा नहीं। तो इस पर हम लोग एक आसान सा न्यूमेरिकल बनाएंगे। देखते हैं एक सबसे आसान न्यूमेरिकल। करेंट एलिमेंट और करेंट एलिमेंट 5Bl इज एट 0.0.0 अलोंग एक्स एक्सिस। Along x-axis, if dl is 10^-2 meter, find magnetic field at a distance of 0.25 meter on y-axis. Calculate the strength of the field. बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, ध्यान से यदि आप देखते हैं तो न्यूमेरिकल बन जाता है। तो हम लोग करते क्या है, ध्यान से पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद बनाने की कोशिश करते हैं। अ करेंट एलिमेंट 5Bl इज एट 0.0.0 ये दिया हुआ है 0.0। इस तरह से अगर थ्री दिया रहता है तो समझिए कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, लॉन्ग एक्स एक्सिस। इफ डीएल इज 10^-2 मीटर, find magnetic field at a distance of 0.5 meter on y-axis. तो इस तरह से आप ध्यान से समझिए, अगर आप ये आपका x-axis, y-axis, z-axis है और ये 0.0.0 है और ये आपका 0.25 ये जो है y-axis पर ये हमारा distance है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, जो value दिया है वो I is equal to करेंट एलिमेंट 5Bl दिया है, और सिंस dl इज इक्वल टू दिया है, dl इज 10^-2 मीटर, तो हम करेंगे क्या, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 5Bl, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 और dl के जगह पर 10^-2 मीटर, और ये आई कैप करते हैं क्योंकि ये जो 5Bl है लॉन्ग एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के लिए हम आई कैप करते हैं और ये जे कैप करते हैं और ये के कैप करते हैं, तो ये हमारा आई हो गया। और दिया हुआ है आर इज इक्वल टू 10^ आर वेक्टर कर लेते हैं और 10^-2 मीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं आर का वैल्यू दिया है 0.25 और मीटर कर लेते हैं और ये करते हैं जे कैप। जे कैप क्यों करेंगे, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हमेशा जे कैप करते हैं। पूछ रहा है कि डीबी इज इक्वल टू वाट, तो हम जानते हैं सिंस डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4π और इनटू आई डी एल साइन थीटा, इसको हम लिखेंगे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और बाय हम लिखेंगे क्या आर क्यू करेंगे। ये फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जब वेक्टर फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिए रहते हैं तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया रहेगा तो सिंपली हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π इंटू आई डी एल साइन थीटा और बाई आर स्क्वायर।
ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमको वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया रहेगा तब। यदि वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे आप जानते हैं मी नॉट बाई फोर पाई का वैल्यू 10^-7 और इनटू आईडीएन के जगह पर हम लिख सकते हैं 5 × 10^-2 और इनटू आर के जगह पर, आर वेक्टर के जगह पर 0.25 और ये लिख सकते हैं जे का, और बाई करते हैं आर क्यू, आर क्यू यानी कि 0.5 का अगर हम क्यू करते हैं, 0.5 का क्यू करेंगे तो 1.56 आ जाएगा, 1.56 आ जाएगा। और यदि आप इसको कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है। तो यदि आप करते हैं तो आएगा 8.0 × 10^-10, ये टेस्ला होगा। और इसका आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो के कैप हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो ये न्यूमेरिकल आपका बन गया, ये न्यूमेरिकल आप भी बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर आया है। तो इस तरह से ये वीडियो बायोसोर्स लॉ का आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और यदि आप हमारे इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।